मामला खत्म क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। जिस तरीके से राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता को रद्द किया गया है, उसके बाद से ही कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। अब प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेता तक हमारे परिवारों की आलोचना करती रहती है। और प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि हमारे रगों में शहीदों का खून बह रहा है, हम लड़ेंगे, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। आइए देखते हैं मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी दो साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। क्योंकि जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, एक साल से स्टे था, अडानी ने जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को अंदर कर दिया। ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून कहा इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं, लड़ते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और आप खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है। बहरहाल आप देखना यह है कि आगे क्या होता है।